नमस्कार, मैं हूं अमन शुक्ला। आप देख रहे हैं वीके न्यूज एमपी। मध्य प्रदेश के भूमाफियाओं पर मामा शिवराज का बुलडोजर पिछले 3 महीनों से जमकर गरज रहा है, क्योंकि सीएम शिवराज ने ठान लिया है कि प्रदेश को अपराध मुक्त और माफिया मुक्त बनाकर रहना है, और इसके लिए मामा हर संभव प्रयास कर रहे हैं। पिछले 3 महीने में बड़े से बड़े माफियाओं के अवैध अड्डों को तबाह कर करोड़ों की सरकारी जमीन को जब्त किया जा चुका है, और ये कार्रवाई अभी भी जारी है। इसी के चलते उज्जैन नगर निगम और पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए आगर रोड पर नरेश जिंजिंग मिल कंपाउंड में बनी 32 दुकानों को ढहाकर तबाह कर दिया है। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा, ताकि अगर कोई कार्रवाई के दौरान बाधा बने तो फौरन उसकी भी अक्ल ठिकाने लगा दी जाए। मामा शिवराज ने पुलिस अधिकारियों को भी भू माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करने के लिए पूरी खुली छूट दे रखी है, और पुलिस वाले भी मामा के साथ साथ पूरे फॉर्म में चल रहे हैं। इसलिए 12 जनवरी को ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के उज्जैन दौरे से ठीक एक दिन पहले प्रशासन ने मिल कंपाउंड का कब्जा लेते हुए नगर निगम के स्वामित्व का बोर्ड लगा दिया था। आपको बता दें कि ये जमीन करीब 4.934 हेक्टेयर भूमि में है। प्रशासनिक तौर पर मिल भूमि की कीमत करीब 400 करोड़ रुपए बताई जा रही है, लेकिन अब जिस 400 करोड़ रुपए की जमीन पर माफियाओं का कब्जा था, उसको सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है। मिल कंपाउंड की आगर रोड पर बनी दुकानों को ढहाने का खाका प्रशासन ने 2 दिन पहले ही तैयार कर लिया था। रविवार रात को ही गोपनीय तरीके से पुलिस कर्मियों को रविवार सुबह आगर रोड पर पहुंचने के निर्देश दे दिए गए थे, जिसके बाद रविवार की सुबह 8 बजे से कोयला फाटक से लेकर मंडी गेट तक यातायात को लेकर डाइवर्ट कर दिया गया था, और नगर निगम की 3 जेसीबी मशीनों ने दुकानों को ढकाने की कार्रवाई शुरू कर दी। अवैध दुकानों पर जैसे ही प्रशासन का बुलडोजर चलना शुरू हुआ, वैसे ही दुकानदार अपने सामानों को लेकर भागने लगे। पुलिस ने इनको पहले ही दुकान खाली करने का नोटिस भेजा था, लेकिन इन्होंने प्रशासन के नोटिस को गंभीरता से नहीं लिया था। माफियाओं ने नरेश जिंगिंग मिल कंपाउंड की आगर रोड पर टायर, पान की दुकान, नमकीन, होटल और इलेक्ट्रॉनिक की दुकानें खोल रखी थी। इनको लगता था कि सरकार इनका कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन शायद ये भूल गए थे कि प्रदेश में मामा की सरकार है, और मामा आजकल पूरे फॉर्म में चल रहे हैं। इसलिए अभी भी समय है, जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रखा है, वो जमीन को खाली करके निकल लें और सुधर जाए, नहीं तो अगर मामा समझाने पर आ गए तो अंजाम बुरा होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबर को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूज एमपी, और खबर पसंद आए तो शेयर भी करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।